आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर अम्ब्रेला फ्रॉक में पफ वाली बाजू बनाना सिखाएंगे। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद में अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और कपड़े की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रख लेनी है। रखने के बाद हम यहाँ पर नीचे से एक या डेढ़ इंच का मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और बाजू की मोरी हमें 5 इंच रखनी है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने निशान लगाया है वहाँ से छोड़ के लंबाई नापेंगे। तो बाजू की फुल लंबाई हमारी है 18 इंच, तो 18 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बाजू की गोलाई करेंगे और बाजू की जो हमारी चौड़ाई है वो 8 इंच है, तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे और 2 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू में पफ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर बाजू की लंबाई रखनी है 7 इंच और चौड़ाई रखनी है 3 इंच और ऊपर से हमें कुछ इस तरह से गोलाई कर देना है। नीचे का जो हमने निशान लगाया है तो वो नॉर्मल बाजू में निशान लगाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर दोनों निशान को मिला देंगे। तो ये वाली बाजू हमारी पफ वाली है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कटिंग करेंगे और जहाँ पर हमारी लंबाई है वहाँ पर हमें कट लगा देना है। देखिए यहाँ पर यहीं से हम पलेटें डालेंगे। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि यहाँ आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। यहाँ से भी कटिंग कर देंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर बाजू को खोलेंगे तो कुछ इस तरह से हमारी बाजू कटिंग हुई है। तो यहाँ पर हमने जो कट लगाया है वहाँ से प्लेटें डालेंगे। तो प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हमें अपनी तरफ रखना है। देखिए इस तरह से जहाँ पर हमारा बीच सेंटर पर कट है वहीं तक हम अपनी तरफ इस तरह से प्लेटें डाल लेते हैं और यहाँ से प्लेट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर प्लेट का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे, तो इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। जहाँ पर हमारा कट है वहीं तक हमें प्लेटें डाल लेनी है, ठीक है। फिर हम यहाँ से सिलाई निकाल देंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा पफ आया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बी सेंटर है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे की तरफ जो मैंने मार्जिन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको फ्रॉक में सिलेंगे। तो इतनी फ्रॉक मैंने पहले से ही तैयार करके रखी है। तो यहाँ पर हमारा जो बाजू में कट है वो कट हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नाप लेते हैं। नापने के बाद हमें सिलाई लगानी है, तो सिलाई हमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के ही लगानी है। तो चलिए इस तरह से बाजू को सिल लेते हैं। बहुत ही सुंदर सी ये पफ वाली बाजू हमारी बनने वाली है। तो इसी तरीके से आप भी इस तरह की बाजू बना सकती हैं, ब्लाउज या सूट या फिर किसी में भी बना सकती हैं। फिर हम यहाँ पर इसकी फिटिंग करेंगे डबल सिलाई लगाकर। बाजू की मोरी हमारी 5 इंच है, तो जहाँ पर हमारा निशान लगा है उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। और जो नीचे की सिलाई हमारी है इसको हमें ऊपर की तरफ रखना है और उसके बाद में हम यहाँ पर घुमाकर डबल सिलाई लगा देंगे। तो एक बाजू हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और यहाँ पर हमारी जो फ्रॉक है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है इस तरह की बाजू बनाने के बाद। तो इसको फ्रॉक को मैंने किस तरह से बनाया है तो वो वीडियो आपको हमारे जो हमारा पहला चैनल है प्रीति टेलर के नाम से उस पर मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।